एक वर्ड से कैसे 100 वर्ड याद करें, कैसे अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करें, इसका जो मैं आज छठा सीरीज लेकर आया हूँ। छठा लेक्चर है, छठा पार्ट है। इसमें आज हम सीखेंगे डेम रूट वर्ड के बारे में। डेम रूट वर्ड का मतलब क्या होता है उसे हम जानेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो है रूट वर्ड का 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसे जो है देख सकते हैं। अगर आप अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैंने जो है ऑलरेडी 5 वीडियो बना रखा है, आप उसे जो है देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं डैम रूट वर्ड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डैम रूट वर्ड मतलब होता है डैम, मतलब होता है पेपूल। डैम मतलब पेपूल। इससे बहुत सारे वर्ड आपने सुना होगा। एक वर्ड तो आप जरूर सुने होंगे जो कि काफी पॉपुलर वर्ड है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब यहाँ पर जो है, डेम का मतलब मैंने बताया पीपुल, डेम का मतलब होता है पीपुल, यहाँ पर डेम मतलब पीपुल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल करना, शासन करना। तो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल, वैसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। आज इस दुनिया में, इस मॉडर्न जमाने में जो है डेमोक्रेसी ऑल ओवर कंट्री में, लगभग सारी दुनिया में जो है डेमोक्रेसी ही है। तो डेमो का मतलब, डेम का मतलब होता है पीपुल, मैंने लिख रखा, और क्रेसी का मतलब रूल। इसका एक फेमस डिफिनेशन भी आपने पढ़ा हुआ क्लास 7 में, सिविक्स के वीडियो में, सिविक्स में, SST में पढ़ा हुआ आपने, सिविक्स में डेमोक्रेसी का डिफिनेशन, ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब था डेम मतलब पीपुल और क्रेसी मतलब रूल, यानी जो ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेम का मतलब समझना पीपुल, ठीक है। फिर आता है डेमागॉग। डेमागॉग ये जो है काफी प्रचलित वर्ड है, अभी जो है कुछ दिन पहले इसका इस्तेमाल बहुत सारा न्यूज हेडलाइंस में इसका यूज भी हो रहा था। तो डेमागॉग, ए पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाई अपेलिंग टू द डिजायर्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल रादर देन बाई यूजिंग आर्गुमेंट। एक ऐसा लीडर जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके जो है क्या करता है, वोट अपॉर्चुनिटी हासिल करता है, इलेक्शंस को जीतता है, विन करता है, उसे हम कहेंगे डेमागॉग। जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करके जो उसे सपोर्ट मिलता है उसे हम कहेंगे डेमागॉग। जैसे इंडिया में भी है नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो क्या है, डेमागॉग है। उन्होंने जो है लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करके जो है सपोर्ट पाया है, लोगों की इच्छा को पूर्ति करके उन्हें सपोर्ट मिला है। तो हम बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज अ डेमागॉग, इज अ डेमागॉग। उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले जो हमारे ऋषि सुनक है, जो ब्रिटेन के क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो डेमागॉग। फिर कुछ समय पहले जो बराक ओबामा थे 2011 में USA के प्रेसिडेंट, तो क्या थे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके, लोगों के डिजायर की पूर्ति करके उन्होंने जो क्या है लोगों का सपोर्ट मिला उन्हें। तो हम बोल सकते हैं बराक ओबामा वाज अ डेमागॉग। तो डेमागॉग एक ऐसा लीडर होता है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके जो है सपोर्ट प्राप्त करता है, उसे हम बोलेंगे डेमागॉग। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है डेमोफाइल। डेमोफाइल डेमो का मतलब मैंने पहले ही बताया पीपुल है ना, और फाइल भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। तो पीपुल लव यानी ए पर्सन हु, ए पर्सन वन हु लव टू स्टे इन क्राउड, वन हु लव टू स्टे इन क्राउड, या फिर बोल सकते लव ऑफ पीपुल, जैसे लोगों से प्यार हो, ये फिर ऐसे भी बोल सकते लव ऑफ पीपुल, जो लोगों के बीच में रहना चाहता है उसे भी हम बोलेंगे डेमोफाइल। डेमोफाइल वन हु लव टू स्टे इन क्राउड, जो झुंड में रहना पसंद करता है,
या फिर हम बोल सकते हैं लव ऑफ पीपुल, जिसे लोगों से प्यार है, उसे हम बोलेंगे डेमोफाइल। क्या बोलेंगे? डेमोफाइल। ठीक है, फिर आता है एक, इसी का अपोजिट है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया, डेमोफोबिया, डेमोफोबिया। डेमो का मतलब पीपुल, और फोबिया से मैंने बहुत सारा रूट वर्ड बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। यहाँ था डेमोफाइल, लोगों से जिसे प्यार हो उसे हम बोलेंगे डेमोफाइल, और यहाँ जिसे लोगों से डर होता है, यानी फियर ऑफ पीपुल, फियर ऑफ पीपुल, या फिर क्राउड बोल सकते हैं, फियर ऑफ पीपुल और क्राउड, तो इसको हम बोलेंगे डेमोफोबिया, या फिर डेमोफोब, या फिर बोल सकते हैं डेमोफोब। सिंपली हम फोबिया की जगह फिर डेमोफोब बोल सकते हैं, डेमोफोब, डेमोफोब, फियर ऑफ पीपुल और क्राउड। ये जो है डेमोफाइल, वन हु लव्स टू स्टे इन क्राउड, डेमोफोब, ये फियर ऑफ पीपुल और क्राउड। फिर आगे है, फिर आगे है एंडेमिक, 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 ए डिजीज विच अफेक्ट ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल, ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल, ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल। एक ऐसा डिजीज जो क्या कहे, एक खास लोगों को प्रभावित कर रहा था, जैसे ब्लैक फंगस कुछ दिन पहले निकला था, ब्लैक फंगस, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, ब्लैक फंगस को डिक्लेयर कर दिया था एंडेमिक। गुजरात गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस एज अ एंडेमिक। हम लिख सकते हैं गुजरात, जो गुजरात और महाराष्ट्र में खूब फैल रहा था, ब्लैक फंगस, रेनबो फंगस था, फिर जो व्हाइट फंगस, ये सारा फंगस निकल रहा था, लेकिन जो है ब्लैक फंगस ज्यादा फैल रहा था, खास लोगों में फैल रहा था, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको जो डिक्लेयर कर दिया था एज ए एंडेमिक। तो इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं, गुजरात गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस, डिक्लेयर्ड सॉरी डिक्लेयर्ड डिक्लेयर द गुजरात गवर्नमेंट डिक्लेयर ब्लैक फंगस एज ए एंडेमिक, एंडेमिक मतलब ऐसा डिजीज जो एक खास लोगों को प्रभावित कर रहा है, खास एरिया में फैल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक। जैसे कि हमारा कोरोना था, शुरू में वो क्या था, एंडेमिक था, बाद में जो है ऑल ओवर कंट्री में फैला हुआ, तो ये हुआ एंडेमिक। ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं, एक और वर्ड है इपिडेमिक, इपिडेमिक, ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। एक ऐसा डिजीज जो क्या करे, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को अफेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। जैसे इंडिया में पोलियो ये सब फैला था, पोलियो, तो पोलियो क्या था, एपिडेमिक था, ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। एक ऐसा बीमारी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है और तेजी से फैल रहा है, रैपिडली फैल रहा है, रैपिड, तो उसको हम बोलेंगे रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। फिर एक और वर्ड है जो काफी पॉपुलर है, जिसका शिकार पूरी दुनिया हुआ था, है ना, उसको हम बोलते हैं उस डिजीज का, कई कई लोगों की जिंदगी जो है गई इसमें, पैंडमिक बोलते हैं, पैंडेमिक उसको बोलते हैं, और वो है था कोरोना इज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक किसे बोलते हैं वो समझेंगे, ए डिजीज
ए डिजीज विच अफेक्टिंग विच अफेक्ट ऑल ओवर द कंट्री विच अफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द विच अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसा डिजीज जो पूरे संसार को पूरी दुनिया को प्रभावित करे उसे हम बोलेंगे पैंडमिक। क्या बोलेंगे? पैंडमिक। ए डिजीज विच अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और कंट्री। ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलेंगे, वैसा डिजीज पूरे दुनिया को पूरे संसार को जो है प्रभावित करे उसको हम बोलेंगे पैंडमिक। जैसे कि कोरोना था, कोविड 19 वाज अ पैंडमिक। अभी भी है हल्का फल्का, लेकिन उसकी जो है अच्छा असर चली गई है ना। तो कोविड 19 वाज अ पैंडमिक, ये जो क्या किया पूरी दुनिया को प्रभावित किया है ना, तो हम बोलेंगे कोविड 19 वाज अ पैंडमिक। ठीक है, कोविड 19 क्या था? एक पैंडमिक था। पैंडमिक उसे बोलते हैं जो पूरी दुनिया को क्या करता है, वैसा बीमारी जो पूरी दुनिया को प्रभावित करे उसे हम बोलेंगे पैंडमिक। फिर आगे पढ़ना है हमें इसी में, और भी बहुत सारा वर्ड है जो इसमें पढ़ना है डेमो रूट वर्ड से, वो है फिर है डेमोग्राफी। डेम मतलब हम समझते हैं पीपुल, डेम मतलब पीपुल, ग्राफी मतलब स्टडी। डेम मतलब पीपुल, ग्राफी मतलब स्टडी। तो ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपुल है ना, एक वैज्ञानिक रूप से जो है लोगों के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी से कहेंगे। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपुल इज कॉल्ड डेमोग्राफी। एक वैज्ञानिक रूप से लोगों के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी कहलाएगा। फिर है डेमो का मतलब पहले ही मैंने फिर बता देता है, डेमो का मतलब जो है पीपुल, साइड का मतलब होता है, आपने इससे बहुत सारा वर्ड सुना होगा जैसे सुसाइड, किल करना, साइड का मतलब होता है किल, सुसाइड, पैट्रिसाइड, फोर्टिसाइड, बहुत सारा वर्ड है जो साइड रूट वर्ड से है, आपने सुना भी होगा सुसाइड, फोर्टिसाइड, पैट्रिसाइड, ये सारा जो वर्ड है साइड से बना हुआ है। तो डेमोसाइड यानी पीपुल और किल, यानी किलिंग ऑफ पीपुल Why the government? गवर्नमेंट के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा, कहीं एक देश है जहां पर, मान लो कहीं एक जगह है जहां पर जो है सरकार शासन कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है अपने लोगों को जो है मार देती है, जनता को जो है मार देती है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे डेमोसाइड। यहां पर क्या हुआ? डेमोसाइड, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल बाई द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा मारना क्या कहलाता है? डेमोसाइड कहलाता है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, मैंने लार्ज नंबर लिखना भूल गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल वाई द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को मारना, डेथ करना क्या कहलाता है? डेमोसाइड कहलाता है। एक जो काफी एक वर्ड है पैंडोमोनियम, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में जो है काफी बहुत बार जो है ये पूछा गया, वीवीआई है, पैंडोमोनियम। इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल।
जो कंफ्यूजन होता है लार्ज नंबर पीपल के बीच में, उसे हम बोलेंगे पैंडोमोनियम। पैंडोमोनियम, और ये वर्ड काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसे जो है याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, कुछ जो है सेंटेंसेस बना लेंगे, है ना। तो इसी के साथ जो है मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कुछ दिन बाद मैं जो ग्रामर का भी जो है वीडियो लगातार बनाऊंगा। कुछ वीडियो जो मैंने बना भी रखा है, कुछ वीडियो मैं लगातार अब से जो है ग्रामर का कुछ वीडियो लगातार बनाऊंगा। कुछ दिन में जो है एक दो सीरीज में जो है साइलेंट वर्ड का लेकर आने वाला हूँ। साइलेंट वर्ड का जो है मैं लेटर लेकर, कहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट कहाँ पर साइलेंट होता है, उसका ही मैं सीरीज लेकर आऊंगा। तो कि अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि एक वर्ड मैं बता देता हूँ, एक है डेमागॉग। डेमागॉग, इसमें यू ई साइलेंट है। अब ये वर्ड कहाँ पर साइलेंट होगा, इसे जानने के लिए मैं जो है इसे समझाने के लिए मैं इस एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ। अगर आप उस सीरीज को देखना चाहते हो तो चैनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।